पंडित जी, आपको राग जोग में सबसे पारंगत माना जाता है, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? सारे एस्पेक्ट्स को आपने ठीक से उजागर किया मेरे ख्याल से, और भगवान ने आपकी आवाज़ बहुत सुंदर दी है और बहुत आशाएं आपने जगाई है राग जोग गाकर, बड़े अच्छे रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जोग बराबर था? देखिए, जोग को जरा सा अगर घुमा दो तो वो जोग हो जाता है। तो भाई जोग बराबर था? नहीं नहीं, सुनिए, आफ्टर ऑल ये तो मतलब फिल्मी जोग गा रहे हैं ना, जो रुख जो है ना इतना सख्त ना रखें, तो बच्चे हैं हम लोग भी ऐसे ही घुमा कर देते काम। आशा ताई, आप बताई दीजिए आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? इनकी आवाज़ तो बहुत ही सुंदर आवाज़ है, ऊंची भी जाती है। अभी एक जगह पे पंडित जी ने नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं किसी का दिल दुखाना चाहते, लेकिन सुर में बहुत अलग हो गए थे एक जगह पे, बहुत ठीक है। मैं देखिए, जब श्रीमती आशा के भोसले अगर ऐसी बात करती है तो उनको कौन टाल सकता है? नहीं नहीं, आप ही, आप सुर के बादशाह, आप बताइए। ओ बाप रे, बादशाह फकीर कुछ नहीं, हम तो फकीरों भी नहीं है। अच्छा चलिए, फकीर सही, लेकिन सुर के एक भगवान ने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे, मैं थोड़ा बहुत गाने लिख लेता हूँ, मगर टेम्पा में मैं खाना खाकर अपने कमरे में आया तो मुझे आवाज़ें आने लगी, हे काना हे काना हे काना। मुझे कहाँ से आ रही है, तो इधर उधर देखा, कहीं कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसका पूरा मतलब सुन लीजिए, हे काना, हम तुम पर बीती सो बीती, हम पर बीती सो कही न जाए, हम जानी तुम जाए पछताए, फिर भी प्रभु कहाए, हम तो रंक हूं न बन पाए, हे काना। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत अच्छे से बयान कर दिया आपने। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इस चीज़ को समझ पाई। पहले तो गुस्ताखी माफ, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बोल दी गई हैं विपुल। वहाँ जो आपका जो आई है ना वो लाइन, वहाँ मैं मंत्रमुग्ध हो गई। उसके बाद आपने जो गाया है, आपका कंट्रोल, आपका सुर और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। आप वापस जब आपका क्लासिकल गाना गाने के बाद, जब दिल से रे फास्ट टेम्पो में आप जब आपने जैसे उठाया है उसको, और एक नोट था दिल से रे, दैट बहुत ब्यूटीफुल कंट्रोल, बहुत अच्छा गए, जीते रहो बेटा जी, जीते रहो। तो मुझे बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई लव इट। ये जो गाना आपने सिलेक्ट किया दिल से, वो बहुत अच्छा था, बिकॉज एकदम दिल से गाया आपने, कमाल दिल से गाया। थैंक यू सर। और अब ऐसा होता है कि अगर आप जब गाते हो ना, तो हम सुनना चाहते हैं कि आप गलतियां कहाँ करते हो, क्योंकि आप करते ही नहीं हो। मेरे ख्याल में तो आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब गाने से एक फीलिंग बाहर आती है तो वो एक दिल से वाह निकलती है, वही मुझे लगा। देखिए, मैं विपुल इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, और आशा जी ने जो कहा, उनके कान हमसे ज़्यादा पक्के हैं। अगर आज फिनाले होता तो यू वुड हैव बिकम द इंडियन आइडल। आई सेकंड दैट, वाओ, आई टोटली सेकंड। थैंक यू सर। और एक बात कहना चाहता हूँ विपुल, मिट गए होंगे लोगों के रोग, झूम उठे हिंदुस्तान के सारे लोग जो तूने गाया राग जोग। Congratulations, Vipul. Fantastic. God bless you. Next time, आपको ताई को निराश नहीं करना है, इन छोटी छोटी चीजों को भी लेके। या बिल्कुल, yes ma'am. Well done, Vipul. जोरदार तालियां हो जाए Vipul के लिए। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, तुम्हारे बिना।
महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। राजेश खन्ना वो नाम है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है और हमेशा रहेगा। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले सारी रस्में तोड़ चले बाबुल की आए मोहे यार जाने क्या हो अब इसके बाद हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले हम दोनों दो प्रेमी हम दोनों दो प्रेमी हाँ हम दोनों दो प्रेमी। जीतू जी आप और राजेश खन्ना जी दोनों ने 60s में अपना डेब्यू किया था और आप दोनों ने ही बहुत ही लंबी इनिंग्स खेली। आप इस सफलता का राज किसे मानेंगे? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है बिकॉज इसमें कोई राज नहीं है। एक कहावत है कि मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद नहीं होती। मैं यही बात बहुत सारे न्यू कॉमर्स को भी कहता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है आपका नसीब और आपके टैलेंट के आगे कोई अड़चन नहीं आ सकती कोई आपको रोक नहीं सकता और अगर ये नहीं है तो कोई आपको बना भी नहीं सकता। तो हम अपना काम करते हैं लक अपना काम करती है वी बोथ मूव टुगेदर। शुक्रिया जीतू जी। एक बात मैं कह सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी आशा भाई। वो ज़माना ऐसा था कि एक तरफ प्यार करने वाला हीरो मतलब राजेश जी का चल रहा था और एक तरफ किसी भी आर्टिस्ट ने किया नहीं किसी भी मतलब एक्टर ने नहीं किया वो जितेंद्र जी ने किया। डांस अगर पिक्चर में किसी ने शुरू किया लड़के ने तो सिर्फ इन्होंने और उसके बाद सब ने कॉपी किया लेकिन जो उन्होंने टाइम शुरू किया वो टाइम मैंने देखा है क्योंकि उनकी पहली पिक्चर गीत गाया पत्थर उन्हें मैंने गाने गाए थे तब से मैं जानती हूँ और उन्होंने जो अपने आप को उठाया और जो जिस तरह अलग ले गए शांताराम जी की पिक्चर से डांस और ये जो शुरू किया वो मेरा ख्याल है आज तक कोई उसको बीट नहीं कर सकता है। एब्सोल्युटली और कभी कर भी नहीं पाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।